देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड चुपल। बुंदेलखंड चुपल और हमारी तरफ से सभी जनन का अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि सभी जने जानत हो कि कोरोना महामारी एक अभिशाप के रूप में हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आई है, जो कि बहुत बड़ो अभिशाप है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। और इन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में नर्से हैं जो हमारे साथ लगातार हैं। कोविड महामारी में जो व्यक्ति का कोरोना हो जात वो अपने परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन नर्से लगातार उनके संगे अपनी सेवाएं दे रही हैं। प्रत्येक डॉक्टर के साथ कंधा से कंधा मिला के उनको संग दे रही हैं और लगातार अपने निजी सुख का छोड़ के जनमानस के लाने जन सेवा कर रही है। समस्त उन नर्सन का हमारा प्रणाम है, जो कि वास्तविकता में प्रेम पूर्वक और कह जाते हैं कि नर्स की जितनी दवा नहीं लगत है उतनी प्रेम से उनकी बोल लगत है, जो भी प्रेम से बोलती हैं। लगातार कोविड सेंटर में हो चाहे हॉस्पिटल में हो, नर्से अपनी सेवा लगातार दे रही हैं। और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का खराबी में कहूँ ना कहूँ इनको प्रयास लगातार जारी है और हमें लगता है कि इनको प्रयास लगातार साथ जो जारी है वो सार्थक कहूँ ना कहूँ भी। तो उन समस्त नारी शक्ति के लाने, उन समस्त नर्सन के लाने, उन समस्त नर्स और डॉक्टर स्टाफ के लाने कछु चंद पंक्ति है कि न रातों को सो रही हो, न रातों को सो रही हो, न अपने दुखों में रो रही हो, निजी सुखों को त्याग कर हे देश से जुड़ा बस तुम्हारा बिना भेदभाव के ख्याल रखती हो, हे आम जनमानस से लगाओ तुम्हारा। ओ प्यारी नर्स तुम करती सेवा का दान हो, ओ प्यारी नर्स तुम करती सेवा का दान हो, इस विपदा की घड़ी में तुम साथ हो, कर रही तुम सबका इलाज हो, इस धरा पर तुम महान हो, जो करती सभी की सेवा वो नर्स तुम महान हो, तुम्हारे कर्तव्यों को बारंबार प्रणाम। ऐसी नर्सों को हमारा प्रणाम है। और आज इस नर्स डे के स्पेशल मूवमेंट पे एक नर्स है जो कि इसका मुख्य उदाहरण है कि वो नर्स है और वास्तविकता में वो अपने लिए नहीं जनमानस के लिए जी रही। नर्स डे स्पेशल पे एक फेफड़ा की दम पे कोविड वार्ड में मरीजन की जांच बचा रही टीकमगढ़ की नर्स प्रफुल्लित पीटर। फेफड़न खां मजबूत रखबे बिफुलाती हैं बलू। कोरोना संक्रमण से बचबे के लाने एक तरफ जहां पूरी दुनिया संघर्ष कर रही, संक्रमण में फेफड़ा खराब होने से कई लोग जान गंवा चुके, उतई टीकमगढ़ जिला में 39 साल की नर्स प्रफुल्लित पीटर एक फेफड़ा की दम पे मरीजन की जान बचावे में जुटी। वे पिछले एक साल से कोविड वार्ड में निरंतर ड्यूटी कर रही और बचपन में जब उनकी उम्र 3 से 4 साल की थी तब उनके बाएं फेफड़ा में चोट लग गई। प्रफुल्लित की जान बचावे के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन करके एक फेफड़ा निकाल दिया। इसके बाद पिता रॉकी हेमरॉन ने कबो इनकी बारे में अपनी बेटी का कछु नहीं बताओ ताकि वह परेशान ना हो। शादी के बाद प्रफुल्लित का पतो चलो कि उनको एक फेफड़ा नहीं है, फिर भी वे डरी नहीं। प्रफुल्लित को ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो आम लोगों की तरह जैसे रात है 98-99 के बीच में रात है। और नर्स प्रफुल्लित कहती है कि कोरोना संक्रमण में एक फेफड़ा का मजबूत रखने के लाने भी रोज प्राणायाम करती है, बलून फुलाती है। कछु दिन पहले उनकी बुआ सास को कोरोना संक्रमण के चलत निधन हो गयो, जिनकी सेवा करत भय वे संक्रमित तो भय, लेकिन प्रफुल्लित कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुकी है, इसे स्वस्थ है, होम आइसोलेट है। संक्रमण के बाद भी प्रफुल्लित को हौसला टूटो रही और वे कह रही आज भी कि जल्द ही वे स्वस्थ होके मरीजन की देखभाल कर। प्रफुल्लित पीटर एक जीतो जागतो उदाहरण है हमारे बीच में, हमारे बुंदेलखंड में, और गर्व है कि ऐसी नर्सें हमारे बीच में हैं जो कि लगातार सेवाएं दे रही हैं, लगातार खुद स्वस्थ नहीं है, अपने निजी जीवन का नहीं देख रही लेकिन सबका देख रही, जनमानस का देख रही, जन सेवा कर रही। ऐसी नर्सन का बहुत बहुत प्रणाम है और बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की। सभी जने घरे रहो, सुरक्षित रहो, बाहर तभी निकलो जब जरूरत हो, बिना जरूरत के बिल्कुल ना निकलो, अनावश्यक बिल्कुल ना निकलो। वैश्विक महामारी है, महामारी अपनों बहुत प्रकोप रखे है, तो ईखा निकल जान दो, बुरा समय है, बहुत जल्दी अच्छो समय आया है और अच्छे समय के लाने बुरे समय को सामना करने पड़ते है। तो अपने घरे रहो और सुरक्षित रहो। जयराम जी की।